Brainwave Visualizers presents a romantic Hindi musical family comedy. Yeh Dil Maange More. Advocate Singh. Advocate Singh. Oh, ठीक है आप इतना फोर्स कर रही हैं तो मेरी देश की धरती मेरी देश की धरती से. ये आप क्या कर रहे हैं? वो आप ही ने तो कहा Advocate Singh. Advocate Singh. अरे Advocate Singh मतलब हम आपका नाम ले रहे थे. Oh yeah correct. बल्कि मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप इस केस को इस तरह से लड़े कि जज डिवोर्स के लिए राजी हो जाए. ठीक है एडवोकेट सिंह, मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूँ. 10-10 महीने दुबई में रहता है और मैं यहाँ अकेली. और वैसे भी अब मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिल गया है जो मुझे और मेरी फीलिंग्स को अच्छी तरह समझता है. मैडम से कहो कि कोई अपने पति के साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करेगा तो वो क्या उसे अपने पलकों पे बिठा के रखेगा? करेक्ट है. जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते. आप मुझे मुहावरे क्यों सुना रही हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ. आपकी क्या राय है? क्या राय है आपकी? राय आपकी क्या राय है? हाँ जी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है राय. विवेक ओबेरॉय के साथ लफड़ा है. ऐश्वर्या राय. हाय जिस्सी. हाय एडवोकेट. हाय करिश्मा. अरे पार्टी में आया क्या? हाय हेलो कर रहा है. कम टू द पॉइंट. हाँ न्याय सिंह. न्याय सिंह नहीं, न्याय सिंह अवतार. न्याय सिंह तो बोर्ड पे देखो क्या लिखा हुआ है. न्याय सिंह. अच्छा अपनी आंखों को चेक करवा के आइए. वहां लिखा है A. न्याय सिंह. पैंड कौन है? पैंड इनका नाम है. इनका नाम क्या है? पैंड. तो क्या नाम रखा है इसकी? पैंट. तो इनका नाम क्या है? शर्ट्स. एडवोकेट सिंह को मैं ये बता रही थी कि वो इस केस को इस तरह से लड़े कि जज डिवोर्स के लिए राजी हो जाए. क्या बात कर रही हो? जज भी डिवोर्स ले रहा है? मैं कैसे लोगों के बीच फंस गया. देखिए आप चारों को तलाक चाहिए. करेक्ट करेक्ट. आप लोग जानते भी हो तलाक क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है तलाक? क्या होता है तलाक? बड़ा मजेदार होता है. क्या मेरा मतलब है कि तलाक जो है बहुत ही नाजुक केस होता है. इसमें सबसे पहले केस फाइल करना पड़ता है, फिर मैरिज काउंसलर के पास जाना पड़ता है, फिर अदालत में केस लड़ना पड़ता है. इसमें कम से कम 6-7 महीने लग जाएंगे. महीने? क्या क्या बात कर रहे हो? मैं तो अपनी बीवी के साथ एक दिन नहीं गुजार सकता. तो मैं कौन से अपने पति के साथ रह सकती हूँ? चूहा कहीं का. मेरी बीवी जो है ना वो खून चूसने वाली मच्छर है. मेरा जो पति है ना वो तो कॉकरोच की तरह इरिटेटिंग है. और मेरी पत्नी है ना वो तो एक चिपकली है. आप चारों की बातें सुनकर मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं. आप लोगों को एक अच्छे वकील की नहीं, एक अच्छे पेस्ट कंट्रोलर की जरूरत है. कॉकरोच मच्छर. मिस मोरे जी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये आपके पति हैं? ये मेरे वो नहीं है, वो मेरे ये है. हैं जी. ओ मैडम आप सबसे सेंसिबल लगती हैं. हाँ. आप एक जवाब ठीक से दे देती हैं तो मेरे ऑफिस को क्या आग लग जाती है. ऑर्डर. दो प्रॉन बिरयानी, एक पॉम्फ्रेट फ्राई. हाँ जी. तो ये कोई मच्छी मार्केट नहीं है. ओह आई एम रियली सॉरी. दो पराठा एक छाछ चलेगा. ओ ये कोई टावा नहीं है, ये एक इज्जतदार वकील का ऑफिस है. कहाँ है वो? नजर नहीं आ रहा है. और तेरा बाप तेरे सामने खड़ा है? मेरी माँ ने मुझे धोखा दिया. एक मिनट, वो किसका पुत्र है तू? वो पम्मी का पुत्र है. एक मिनट यार, मैं पम्मी का नहीं, मैं मेरे मम्मी का पुत्र हूँ. कैसा लग रहा है तू? बिल्कुल मेरी मम्मी. क्या कंफ्यूजन है यार, क्या कंफ्यूजन है. उसके मेरे सामने से ले जाओ, इसको मेरे सामने से ले जाओ, वरना आप लोगों को तलाक दिलवाने की बजाय मैं इसके मर्डर केस में अंदर हो जाऊंगा. देखिए मैं जितनी भी करूं सुसु,
मैं जितनी भी कोशिश करूं सुसु करने की और मैं जितनी भी कोशिश करूं आप लोगों को तलाक दिलवाने की मुझे इसमें कम से कम 6 से 7 हफ्ते दिन लग जाएंगे। एडवोकेट सिंह जी, इन 6-7 दिनों में हमें क्या करना होगा? देखिए, आप अपने अपने घर जाइए, एक पेन और पेपर उठाइए और अपने अपने पति और पत्नी के खिलाफ आपको जो कंप्लेंट्स हैं उसकी एक कंप्लेंट लिस्ट बनाइए। देखिए, मुझे आप एक बात बताइए, तलाक के बाद आप इनसे शादी करना चाहती है, राइट? राइट। और आप तलाक के बाद इनसे शादी करना चाहती है, राइट? दूसरी उंगली देख यार। सॉरी सॉरी। क्या बच्चों की तरह हरकतें लगा रखी है, बिल्कुल बच्चों की तरह। अब बात कुछ समझ में आ रही है, ये दोनों कपल जो हैं, वो बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम हैं। इनको लगता है तलाक वलाक जो है बच्चों के खेलने की चीज है, लगता है राह भटक गए हैं, इन बच्चों को वापस रास्ते पर लाना पड़ेगा। क्यों ना फॉर्मूला नंबर 6 यूज किया जाए। और ये क्या बच्चों की तरह हरकतें लगा रखी है यार तू? ओके, देखिए, आप तलाक के बाद अपने अपने पति और पत्नी बदलना चाहते हैं, करेक्ट? जी। तो मैं कहता हूँ इंतजार किस बात का, अभी से बदल डालो। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं एडवोकेट सिंह जी, आप पागल तो नहीं हो गए? थोड़ी देर में हो जाऊंगा। अरे ये हमारे समाज के खिलाफ है। तो समाज बदल डालो। क्या? मेरा मतलब है कि समझ बदल डालो। देखिए, हम एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं। एक्सपेरिमेंट? सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक आप अपने अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ रहोगे। ओके। रात के 9 बजे से सुबह के 9 बजे तक आप अपने अपने पति और पत्नी के पास वापस लौट जाओगे। इससे क्या होगा कि जब आप अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ रहोगे तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि आपका आने वाला कल कैसा है। मतलब तलाक के बाद आप जो कदम उठाने वाले हो वो सही होगा या गलत होगा ये आपको पता चल जाएगा। राइट, क्या बात बोला, वाह। बोलिए एडवोकेट सिंह, मैं इस एक्सचेंज ऑफर के लिए तैयार हूँ। यस। एडवोकेट सिंह, मैं भी इस एक्सचेंज ऑफर के लिए रेडी हूँ। ओह जस्सी, आई एम सो हैप्पी टुडे। पर एक बात याद रखिए। हाँ। हेलो, कोई गार्डन में नहीं हूँ, मेरे ऑफिस में हो। जरा एक बात ध्यान में रखिए, जब आप अपने अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे तो नो कुचिकू, क्लोजनेस, ये सब नहीं है ना। याद रखिए, नो कुचिकू। आती है आपको कुचिकू? सिखा दीजिएगा, लेकिन वो कीजिएगा मत, दूर रखिए, है दूर रहिए। जरा मेंटेन सेफ डिस्टेंस। बोलो तारा रा रा। तारा रा। तारा रा। मेरा मतलब है, बोलो मंजूर है। मंजूर है। इस एक्सचेंज ऑफर के कारण ना मैं इस आउटडेटेड और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट से छुटकारा तो पा सकती हूँ। जस्सी, अपनी जबान को लगाम दो। चिल्ला मत, तूने वो कहावत नहीं सुनी? कौन सी कहावत? ऐसी औरतों पे नहीं चिल्लाते जिनके बॉयफ्रेंड्स अरेबिया से हो। और ऐसा किसने कहा? मैंने नहीं। किसने कहा? ओसामा बिन लादेन ने। अरे घर में कोई माफी नहीं है तुम्हारे? कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाते हैं, आई स्वेर। चप्पल से मारूंगी। आप? मैं? हाँ। The name is I am Mrs. P. K. Lothela. अच्छा अच्छा, आप बहुत पीती होंगी? नहीं नहीं, वो तो मेरे पति बहुत पीते हैं। अच्छा, उनका नाम क्या है? पी पी के लोथेला। अच्छा, आइए आइए, अंदर आइए। अरे और कितनी अंदर आऊं? वैसे
घर बहुत अच्छा है तुम्हारा। थैंक यू सो मच। लेकिन घर में कोई एसी नहीं है। जी नहीं, हमारे घर में एसी नहीं है। वो क्या है ना कि हमारे घर में एसी है, हवा एक खिड़की से दूसरे खिड़की से बहती रहती है। गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत सर्दी। अच्छा, गर्मियों में बहुत गर्मी एसी के होते हुए। एसी का मतलब एयर कंडीशन नहीं पागल। तो एसी का मतलब अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। आई सी। बैठो बैठो, अपना ही घर समझो। थैंक्स। एक मिनट। वाओ, ये तुम्हारी शादी की अंगूठी है? जी हाँ। लेकिन तुमने ये गलत उंगली में क्यों पहनी है? क्योंकि मैंने गलत आदमी से शादी कर ली है। आप यहाँ मेरी शादी की अंगूठी के बारे में बात करने आई हैं या कुछ और कहने आई थी? आउच, मैं तो भूल ही गई। वो क्या है ना कि ये एक मिनट। शेख, यम कर क्या रही हैं? मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो ये आपका शर्माने का तरीका है? अच्छा, एक काम कीजिए, पहले आप जो कुछ भी कहने आई थी ना वो आप कहिए, बाद में पेट भर के शर्माना। ओके ओके ओके। क्या है ना, हाँ, कि हम लोग में पहले ना शर्माते हैं, उसके बाद जो कहना है वो कह डालते हैं। अच्छा, ये आपका तरीका है? हाँ। ओके, तो फिर शर्माओ शर्माओ। एक मिनट, अगर आपको ज्यादा वक्त लगने वाला है तो क्या मैं खाना वाना बना के आओ? नो नो, हाँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मैगी नूडल्स। मैगी नूडल्स? हाँ। हो गया। बोलो। हाँ, वो क्या है ना कि हमारे घर में वापस नहीं 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 हमारे घर में एक नया मेहमान आया है और उसके आने की खुशी में हमने अपने घर में पार्टी रखी है, उसी का इनविटेशन देने आई थी। ओह, आई सी। कंग्रेचुलेशंस आंटी। आंटी 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 मत कहो ना यार, डेफिनेटली नहीं कहूंगी। लेकिन आपने तकलीफ क्यों उठाई? अगर आप टेलीफोन भी करते तो हम चले आते। अरे, इसमें तकलीफ की क्या बात है? नहीं नहीं, लोग कहते ना कि इस हालत में ज्यादा ऊपर नीचे नहीं चढ़ना चाहिए। किस हालत में? वो आपने अभी कहा ना, वो इस ओह माय गॉड, आप बिल्कुल गलत समझी। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरी भाभी 8 महीने प्रेग्नेंट है। तो आप? ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। आपको पता है, जब मैं अपनी शादी के मंडप में बैठी थी ना, हाँ, तो मैंने एक आदमी को अपनी औरत के कानों में कहते हुए सुना, अरे देखो इसकी शादी हो रही है लोथेला को, तो देखो इसका तो एडवांस बुकिंग का केस लगता है। इसमें रूड की क्या बात, आप सीटी क्यों बजा रहे? ओह माय गॉड, ये बॉय कौन है? ये बॉय नहीं, ये दरअसल मेरा पति है। ओह, यानी कि लाइफ बॉय है। लाइफ बॉय? हाँ जी। और आप? ओके, नहाने का बड़ा साबुन है। ओह माय गॉड, ये सो रूड। रूड हो कौन, क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं द नेम इज मिसेज लोथेला। यही है चेला रवाने के भेलपुरी का थैला। इट्स सो बैड। ओके ओके, आप से मिलके बहुत खुशी हुई। काश मैं भी ये कह सकती। अच्छा यार, गलती हो गई। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे डैडी से यही कहा होगा तुम्हारे पैदा होने के बाद, सॉरी गलती हो गई। ओके, पीस 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 पीस। आप आइएगा जरूर अकेले। नमस्ते। चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी। बहुत हो गया लुथेला, बहुत हो गया। रिवेंज। सुनिए। कौन? मैं? नहीं तुम। बस मैं? ओफो ओफो ओफो। जी फरमाइए।
मैं बी विंग के 10th फ्लोर पे रहती हूँ। मुझे मालूम है। और मेरे पति है ना, एग्जैक्टली 10:30 बजे ऑफिस चले जाते हैं। हाँ, तो मैं एग्जैक्टली 10:30 बजे के बाद ही आऊंगा। अच्छा, तो आप 10:30 बजे के बाद ही आएंगे? यस। ताकि मुझ पर क्या कर सके? अरे कितना गंदा आदमी आपका पति, मुझ पर बलात्कार करना चाहता है। इडियट, बहुत शर्म आती है मुझे, शर्म आती है। अरे तुम्हारे घर पे भी मां भिंडी है क्या? चप्पल से मारूंगी। हाँ, अरे कौन है? घर पे भी माँ बहन नहीं है क्या? ओह नॉटी। नहीं नहीं, वैसे आप कौन? मैं द नेम इज लोटेला कुबे लोटेला कम लोलेट कनी कम मन लोलेट कनी कम मन लोलेट विद मी कम ऑन लोलेट कनी वाली? नहीं, वो मोटी जाड़ी। टफर, स्टुपिड। करण, करण, ये सब क्या चल रहा है? दिख नहीं रहा है, सफाई कर रहा हूँ। अपना घर तो बहुत साफ हो चुका है। जाके अपने आप को साफ कर लो। गो हैव अ बाथ। नहा चुका हूँ मैं, खाना पक चुका है, कपड़े धुल चुके हैं, अब मैं बिल्कुल आजाद हूँ। सब 9 बजे से पहले करना पड़ा अपनी लक्ष्मी के लिए। अपनी लक्ष्मी के लिए? ओ प्लीज, अपनी लक्ष्मी के लिए कुछ मत करना, क्योंकि अपनी लक्ष्मी तो जा रही है, राइट? ओ शेख चिल्ली, तुम लक्ष्मी देवी थी, पास्ट टेंस, अभी तुम फूलन देवी हो, प्रेजेंट टेंस। मैं फूलन देवी हूँ? डू क्या? डू क्या? करण! जैसे! इट्स बैड मैनर्स! आई हेट यू! सो डू आई! शट अप! वाह करण, बिल्ली मार दिया। एक्सचेंज ऑफर का पहला दिन। बाय करण। हाय। क्या हुआ करण? बर्तन गिर गया, साथ में मैं भी। मैं अभी आती हूँ। चाय? अभी ला। कहाँ जा रहे हो? तुमने कहा ना चाय। हाँ, मतलब मैं बनाऊं? तुम बनाओगी? हाँ। अकेले अकेले? नहीं, तुम चाहो तो मैं पूरी बिल्डिंग को नीचे बुलाती हूँ मुझे मदद करने में। जैसी, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। अरे बाबा, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं बस तुम्हें छेड़ रही हूँ। लेकिन तुम इतने शौक क्यों हो गए जब मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी? वो क्या है ना, जब करिश्मा घर पे होती है ना, तो रोज सुबह सुबह उठ के चिल्लाती है डार्लिंग, तो मैं फट करके उसके लिए चाय बना के लेके आता हूँ। इनफैक्ट वो जिस अंदाज में डार्लिंग कहती है ना, मुझे पता चल जाता है whether she wants चाय, नाश्ता, ब्रेकफास्ट। ये करिश्मा के बारे में भूल जाओ ना, एटलीस्ट 9 बजे तक। जैसी, मैं तो उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। तुम्हें याद है ना एडवोकेट सिंह ने क्या कहा? क्या?
कि मेंटेन सेफ डिस्टेंस, बोलो तारा रारा। नहीं नहीं, बोलो मंजूर है। बट मुझे ये सब मंजूर नहीं है। अरे बाबा, सिर्फ 8 दिनों की तो बात है, उसके बाद तुम और मैं और तुम। अरे हाँ, और वो भी। Come my love, my darling. Darling, अब तुम्हारे ऑफिस का क्या होगा? ऑफिस की फिक्र करो ही नहीं, मैंने 8 दिनों की छुट्टी ले रखी है। अब 8 दिनों तक तुम और मैं और मैं। वाह 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 वाह, और अपुन का क्या होएगा कालिया? अच्छा, एक गोरिया, अपुन का क्या होएगा? हे पकिया, क्या है, जाओ अपना काम करो। अपुन तो अपना काम करेगा साहब, लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है। क्या क्या ठीक नहीं हो रहा है? ये आपका काम, मतलब जो हो रहा है ना, ये सेक्स चेंज। सेक्स चेंज? दोनों को इंग्लिश का वाट लगेला है। सेक्स चेंज नहीं, एक्सचेंज बोला अपुन। एक्सचेंज क्या 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 एक्सचेंज किया हम लोगों ने? अच्छा, यहाँ की जयललिता वहाँ की राबड़ी। तू क्या कह रहा है, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अक्खा सोसाइटी के समझ में आ गया है। मिसेस वर्मा ने मिसेस देशपांडे को बताया, मिसेस देशपांडे ने मिसेस छापरिया को बताया। पखिया मेरे दोस्त, तू अब किसी को नहीं बता रहा, ओके? जा चुपचाप अपना काम कर। अपुन तो अपना काम करेगा, लेकिन मिसेस वर्मा को पता नहीं कौन चुप कराएगा। अब उसको किसने बता दिया? अपुन ने। ये है ना, मेरे और करण का आपस का मामला है, तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चमची लो और अंदर जाके दाल घुमाओ। पहली बात तो आप इस घर का मालकिन नहीं है, आपका बात मानेगा नहीं, और दूसरा ये खर्ची है, ये चमची नहीं है। पक्या, ये चमची लो और जाके दाल घुमाओ। मतलब आप इस घर का मालिक है तो ये खर्ची चमची बन गया। ठीक है, आप इस घर का मालिक है इसलिए आपका बात मानता है, चाहे तो मैडम को भी बिठा के दाल में घुमाता है। हद से आगे बढ़ रहा है ये पक्या, इडियट। Don't worry, darling. एक बार हमारी शादी हो जाए, मैं इसे काम से ही निकाल दूंगी। निकाल दो। क्या 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 पकिया हो, काम से निकाल दोगी? क्या कर रही हो, फिर घर का काम कौन करेगा? झाड़ू कटका बर्तन कौन करेगा? खाना कौन पकाएगा? खाना हम रोज रोज नए नए रेस्टोरेंट से मंगाएंगे। रोज रोज नए नए रेस्टोरेंट से? हाँ डार्लिंग, और देखो ये पकिया ठीक से झाड़ू भी नहीं मारता। हम एक नया वैक्यूम क्लीनर खरीद लेंगे। वैक्यूम क्लीनर भी? हाँ। ये देखो डार्लिंग, तुम्हारे कपड़े कितने खराब हो गए हैं, हम एक नया वॉशिंग मशीन भी खरीद लेंगे। वॉशिंग मशीन भी खरीदोगी, वैक्यूम क्लीनर भी, और नए नए रेस्टोरेंट? भीख मंगवाएगी ये तो। डार्लिंग, तुम अपनी कैश के लिए इतना भी कैश नहीं खर्च कर सकते। इतने प्यार से कहोगी तो मैं तो खुद ही खर्च हो जाऊंगा कैश। तो फिर ये टेबल? ये तो मैं साफ करूंगा। ये मैगजीन? मैं ही रखूंगा जगह पे। और बिजली का बिल? मैं ही भरूंगा। ओके डार्लिंग, व्हाइल यू आर एट इट ना, सोफा भी साफ कर दो प्लीज। कर दूंगा। सोफा भी साफ करूंगा, खाना भी पकाऊंगा। कहां से मिल गई भगवान ये मुझे? अरे यार, इससे तो मेरी जस्सी अच्छी थी, कम से कम ये सब तो नहीं करवाती थी। ये मुझसे नहीं हो रहा है। अरे यार, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। क्या 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 नहीं हो रहा है डाले? वो मसाले का डब्बा मुझसे नहीं खुल रहा है। खुल रहा है? खाना भी तुम बना दो प्लीज। ये मैंने इसीलिए तो बनाए थे। मैं करूंगी ना, अपने घर में ये सारा काम मैं करती थी। क्या अपना घर करके रखा है, तुम इसे अपना घर नहीं मानती? नहीं नहीं, ये भी तो मेरा ही घर है। हा? लेकिन 3 दिन के बाद ना। पर ये काम मैं करूंगा प्लीज। ओके बाबा ओके। हा? एक आइडिया है। हा? हम ये काम ना मिलके करते हैं। मतलब? मतलब तुम झाड़ू लगाओ। हा? और मैं कचरा समेटती हूँ। ओके झाड़ू झाड़ू झाड़ू
झाड़ू झाड़ू आज कचरे का झाड़ू से झाड़ू का कचरे से हो रहा मिलन झाड़ू 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 कमला झाड़ू छोड़ आया जिथे मैनू होश आया ओ बिल छोड़ आया ओ जिथे मैनू होश आया लुड़के बाबे मैं हूं तेरा छा बाप और छा बाप मैं हूं तेरा छा बाप मैं सुपारी तू है माबा जोड़ क्या है बाबा मैं सुपारी तू है माबा जोड़ क्या है बाबा ये है जंगली बिल्ली और तू है काला कौवा Everybody छवा छवा मैं उसका छवा 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 मैं उसका छवा 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 मैं हूँ तेरा छवा छवा मंजे छवा छवा मैं उसका छवा छवा साई रे बड़ी साई रे दैट्स नॉट द वे बड़ी साई रे तेरे रोज रोज के लफड़े ये बिना बात के झगड़े है रे साई रे बड़ी साई रे दैट्स नॉट द वे बोलो साई रे तू पागल है तू चढ़िया तेरे माँ पिता कड़ है चाड़े मार डालूंगा पप्पड़ खाके साई रे घर की हालत रब्बा रब्बा कचड़े का ये डब्बा डब्बा सुधड़ोगे या दू मैं धक्का बोलो साई रे बड़ी साइड दे बहुत मजा आ रहा बड़ी साई रे ओह माय गॉड जस्सी जस्सी कोई नहीं नहीं सीरियल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हें कह रहा हूँ जस्सी जस्सी मुझे ना एकदम भूख सी लगी है ओहो तो मैं थोड़ा सा खाना सा बनाती हूँ नहीं आज मैं पकाऊंगा और तुम खाओगी नहीं 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 क्यों तुम खाना बनाओगे हाँ? नहीं 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 इससे बेटर है कि मैं ही खाना बनाऊ नहीं ना इस घर का कुकर मैं हूँ ना अच्छा हाँ? नहीं नहीं वो जो कुछ भी हो लेकिन खाना मैं ही बनाऊंगी ओके 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 लेट्स डू समथिंग डिफरेंट ओके लेट्स ऑर्डर फूड फ्रॉम अ रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट से खाना मंगवाओगे यस यस नो 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 इतना सारा खाना है फ्रिज में नो 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 नीड ऑफ वेस्टिंग नो नो दिस इज नॉट वेस्ट नो आई डोंट लाइक दिस आई डोंट लाइक दिस व्हेनेवर आई आस्क यू तुम कभी भी मुझसे ओह माय गॉड क्या हुआ पैंट्स क्या हुआ पैंट्स मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है ओह माय गॉड कसम से मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे पेट की कसम स्मॉल इंटेस्टाइन की कसम लार्ज इंटेस्टाइन अपेंडिक्स की कसम सोफा बैठो नीचे सोफा 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 बैठो बैठो हां अब बोलो आगे क्या करना है हाँ जल्दी 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 क्या मैं ऑलरेडी बैठ चुका हूँ बाबा आगे बोलो ना मजा आ रहा है मेरे को फैंस मुझे बैठना है सोफे पे ओह माय गॉड मेरे पेट में दर्द हो रहा है आई एम रियली सॉरी करेक्ट वो मिस्टेक हो गई ओके स्मॉल स्टेप्स बेबी स्टेप्स वी आर ऑलमोस्ट देयर ओके 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 रोल ओके वी आर देयर हाउ आर यू फीलिंग मच बेटर क्या हुआ पैंस मुझे अकेले बैठना है आई एम सॉरी सिट अलोन सिट अलोन ओके वी मेक यू सिट ओके वी आर ऑलमोस्ट देयर ओ देयर पैंस क्या हुआ पैंस मुझे ना तुम्हें ना मुझे ना डॉक्टर बुलाओ ओके डॉक्टर बुलाओ ओके जल्दी ओके तुम डॉक्टर हो तुम डॉक्टर हो तुम डॉक्टर हो और एक बार
तुम डॉक्टर हो? एक मिनट, एक मिनट, क्या हुआ? मुझे ना टेलीफोन पे डॉक्टर बुला, ओके? ओके, इफ दैट्स द वे यू वांटेड, द वे आई वांटेड, जैसे तुम डॉक्टर हो, सो फनी, ऐसे क्यों? पैंट्स, तुमने डायल किया डायल? Oh my God, I'm so sorry. I'm really sorry. और मुझे डॉक्टर बुलाओ. Okay, okay, okay. Relax, relax. I just make that call और डॉक्टर को बुलाते हैं. Singing. Hello. Salaam alaikum. Allahuddin Nishina Kail Fitra, direct flight Mumbai. क्या हुआ पैंट्स? बाय मिस्टेक ना, मैंने दुबई के डॉक्टर को फोन कर डाला. अच्छा, अभी बैंड्रा के डॉक्टर को फोन करो. सॉरी, नंबर 6245611. ओके, कट 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 6245 6. जस्सी, देयर इज अ स्लाइट प्रॉब्लम. हां, क्या प्रॉब्लम? इसमें सिर्फ 9 तक है, 11 तो है ही नहीं. सच्ची, ये सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सी नो 11. ऐसे ही तुम्हें कंपनी दे रहा था. नंबर डायल करो, नंबर डायल करो, 6 2 4 5 6 11. नंबर 1 डायल करो, वापस नंबर 1 डायल करो तो कोई 11 आ जाएगा. ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी. ओके ओके ओके, रिलैक्स. और बोलो डॉक्टर डिजी, डॉक्टर डिजी. ओके, 6 2 4 5 6 1 1. इट्स रिंगिंग, इट्स रिंगिंग. हेलो, हेलो, यस, कैन आई स्पीक टू डॉक्टर डिजी प्लीज? ये उधर कोई डॉक्टर डिजी नहीं है? नहीं नहीं, पूछो डॉक्टर हेडेक है क्या. हेडेक? हेलो, कैन आई स्पीक? तुम डॉक्टर डिजी से बात करोगे पैंस? तो तुम ही नहीं बता. अरे डॉक्टर को बोलो कि मैं डिजी हूं, मैं डिजी हूं, मैं डिजी हूं. ओके ओके, हेलो डॉक्टर, मैं डिजी हूं, मैं तुम डिजी नहीं हो पैंस, तुम डिजी नहीं हो, तुम पागल हो. ओके, हेलो डॉक्टर, मैं पागल हूं. एक मिनट, क्या हुआ, क्या हुआ? मैं जल्दी चली जाऊंगी हॉस्पिटल को. नहीं नहीं, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो मुझे बताओ ना. नहीं, गलती मैं करी. अरे डॉक्टर से बोलो कि जल्दी डिजी है. ओह, आई एम सो सॉरी. इतना नहीं कर सकते तुम फैंस. ओके, रिलैक्स रिलैक्स, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, हेलो डॉक्टर, डॉक्टर जस्सी डिजी है. डॉक्टर पूछ रहे हैं एनी अदर सिम्टम्स? पेट में बहुत दर्द हो रहा है पैंस. ओके, पेट में बहुत दर्द. हेलो डॉक्टर, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है. ओके, वो पूछ रहे हैं एनी अदर सिम्टम्स? पैंस ना मुझे पैंस पैंस. यस यस, जेसी डॉक्टर, लगता है वो मर गई. हेलो, हेलो डॉक्टर. हेलो डिकरा. एक डॉक्टर, एक बात बताओ ना. हाँ, बोलो. आप ऐसे जिसके भी घर पे जाते हैं ऐसे थर्मामीटर कान पे रख के जाते हैं? थर्मामीटर? हाँ, ये थर्मामीटर थोड़ी है. फिर ये तो थर्मामीटर है. अभी तो मैं बोल रहा हूँ. ओह माय गॉड, क्या हुआ? इसका मतलब मेरा जो इंक पेन है वो मैं उस बाइडी का मुंह में भूल गया. ओह माय गॉड, मैं वही सोचता है कि उसका पूरा मुंह ऐसा नीला नीला कैसा हो गया. कौन सा सांप ऐसा कौन सा एंगल से धसा है उसको, कौन सा स्टाइल से चॉप मारा है कि पूरा मुंह नीला नीला हो गया.
Oh my God, doctor, क्या मैं नीलिमू को देख सकता हूँ? नीलिमू? I mean नीलिमा. नीलिमा? I mean जस्सी doctor. जस्सी? हाँ, जाओ ना देख के आओ, जाओ जाओ. Okay okay. Oh my God, doctor, आपने ambulance भी बुला ली? Phone है phone. Download किया है नया system. Ringtone. Okay okay. Hello. हाँ बोलो. Yes, doctor, are you soda wala? नहीं 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 नहीं, तुम सोडा वाला नहीं है, मैं सोडा वाला है. अरे गधेड़ा, मेरा नाम है डॉक्टर रुस्तम उर्वक सोडा वाला. क्या काम था? अरे बोला ने तुमको हजार बार, नहीं चाहिए कार फाइनेंस, नहीं बाप जमाने का डुक्कर फियाट है वही चलाएगा. ओके बाय बाय. हाँ कैसी है जस्सी? नहीं वो क्या है ना डॉक्टर कि हेलो. हाँ बोलो नर्स, क्या हो गया? जिस पेशेंट को गुड हेल्थ सर्टिफिकेट देके डिस्चार्ज किया था हॉस्पिटल से, वो हॉस्पिटल के गेट के ऊपर कोलैप्स हो गया क्या? अरे ऐसे कैसे कोलैप्स हो गया? नहीं 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 नहीं, डरने का कोई बात नहीं है. उसका मुंडी पकड़ो और उसको घुमा दो, ऐसा लगना चाहिए वो डिस्चार्ज होके नहीं एडमिट होने के लिए अंदर आ रहा था. ओके बाय बाय. ओके बाय. बोलो ना जस्सी कैसी है? नहीं मैं वही बता. हेलो. हाँ क्या हुआ नर्स? हाँ वो जो कोलैप्स हो गया था पेशेंट, वो मर गया. अरे ऐसे कैसे मर गया? मैंने ही बोला था मुंडी पकड़ो और सिर्फ मुंडी घुमाया. अरे सिर्फ मुंडी घुमाएगा तो उसको क्या गुदगुली होएगा क्या? मर जाएगा ना आदमी. नहीं 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 नहीं, डरने का कोई बात नहीं है. वो जो गुड हेल्थ सर्टिफिकेट है ना, उसको गुड डेथ सर्टिफिकेट बना के उसको हाथ में रख दो. ओके अगर कोई भी टेंशन हुआ, पुलिस आया, केस बन गया, कुछ भी हुआ ना, तो तुम भी घर पे भाग जाओ, मैं भी भागता हूँ. ओके. अरे बोलो ना जस्सी कैसी है? नहीं मैं वही बता. यार अभी क्या घुमाने का है? अरे रमींदर बोलो. नहीं 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 नहीं, मेरे को लगा किसी और का फोन है. बोलो. अरे किधर है तुम? मैं इधर हमारा डिस्पेंसरी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है. उधर क्या कर रहा है तुम? जल्दी आओ जल्दी आओ, बात करने का तुमसे. ओके बाय दिकरा, बाय बाय. क्या हुआ डॉक्टर, कौन था? मेरा एक दोस्त है रमींदर. ओहो उसको ना अभी शादी होने का है, उसका नया नया. हाँ. तो उसको थोड़ा स्टैमिना का प्रॉब्लम है. ओह माय गॉड. तो वो मेरे को बोला डॉक्टर डॉक्टर. हाँ. मेरे को मेरा स्टैमिना थोड़ा चेकअप करने का है. राइट. मैंने कहा नो प्रॉब्लम, हमारा डिस्पेंसरी है ना. मैंने उधर से उसको ऐसा दरवाजे के बाहर ऐसा ऐसा उंगली दिखाया. हाँ. मैंने बोला वो जो लाल बत्ती दिखता है ना उधर. हाँ. उसको जाके हाथ लगा के जल्दी वापस आ जाओ. राइट. मैं टाइम करता है कि तुम कितना देर में जाके वापस आता है. वो जो भाग के गया ना, डायरेक्ट पूना पहुंच गया. बोलो पूना कैसे पहुंच गया? क्या है, इधर से शुरुआत किया उसने 1 2 3 करके भागा. हाँ. लेकिन वो जो लाल बत्ती है ने, वो एक ट्रक के पीछे लगा था. बोलो वो ट्रक को ऐसा हाथ लगाने के ट्रक चालू हो गया डायरेक्ट पूना. माय गॉड. उसका भी गलती नहीं है ना, उसको मालूम नहीं था पूना का ट्रक है. ये डॉक्टर डॉक्टर आप इधर आए हो तो क्या मैं मेरा एक प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ? हाँ बोलो ना डॉक्टर. वो क्या है ना कि एक छोटा सा प्रॉब्लम है. हाँ, मैं किसी के साथ कभी कभी क्या होता है, ऐसे बात कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे उस आदमी की सिर्फ आवाज सुनाई देती है, चेहरा एकदम नजर ही नहीं आता. ओह माय गॉड, दैट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. बैठो 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 बैठो. हाँ. अपना आंख से आ करो. सॉरी सॉरी. नहीं नहीं रुक जाओ. हेलो कार्टून नेटवर्क, एक मिनट. ऐसा मतलब मुंह आ करो, आंख बड़ा करो. आ. Very good. Looking handsome, दिख रहा. Look down. Look left. Okay, turn like an owl. No, sorry, sorry, sorry. Very good. एक मिनट. Good progress. Good Very good progress. I think it is dandruff. Dandruff? नया disease आया है market में अभी. Dandruff antibiotics. नहीं नहीं आई डोंट थिंक सो डॉक्टर. नहीं पर ऐसा कभी होता है तुमको? हाँ. कि तुमको ऐसा सामने का कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आवाज सुनाई देता है, कभी होता है? डॉक्टर मैं जब भी किसके साथ ऐसे फोन पे बात करता हूँ ना, तभी. फोन पे बात करता है तभी. फोन पे बात करता है तभी. ओह माय गॉड. क्या हुआ? मेरा भी यही प्रॉब्लम है. देखा, देखा, ये ना प्रॉब्लम. मैं जब फोन पे बात कर
करता हूँ तो सामने का... मजाक करता है डॉक्टर के साथ, मजाक करता है। नहीं, आई वाज जस्ट जोकिंग। अच्छा ये डॉक्टर, ए डॉक्टर, बी डॉक्टर, ऐसा नहीं बोला निकाल। डॉक्टर का भी इज्जत होता है, डॉक्टर का भी नाम होता है, नाम लेके बुलाओ ने। पर आपका नाम तो डॉक्टर है ना, डॉक्टर लोग का भी नाम होता है, मैंने बोला नहीं। ओके ओके, यू डोंट नो डिक्रा। यस सर, आई एम डॉक्टर, आर यू सोडा वाला? नो नो नो, नॉट मोरे मोरे। नहीं नहीं, यू आर मोरे। आई एम डॉक्टर, आर यू सोडा वाला? आई एम नॉट सोडा वाला, आई एम मोरे। नहीं नहीं, डिक्रा, यू आर मोरे, बट आई एम डॉक्टर, आर यू सोडा वाला? अरे नहीं, क्या मम्मी डैडी को पूछो, नाम रखा है वो लोग ने मेरा। नहीं, आई एम मोरे, यू आर मोरे, आई एम डॉक्टर, आर यू सोडा वाला? नहीं, मेरा नाम है डॉक्टर रुस्तम उर्वक सोडा वाला गडरा। आई एम सो सॉरी मिस्टर डॉक्टर रुस्तम उर्वक सोडा वाला गधेड़ा। मैं क्या कहना चाह रहा था कि एक मिनट, क्या डॉक्टर रुस्तम उर्वक सोडा वाला फुल स्टॉप गधेड़ा? ओह आई एम सॉरी, आई जस्ट मिस दैट। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, डॉक्टर रुस्तम उर्वक सोडा वाला फुल स्टॉप गधेड़ा, कि वो जस्ट तुम सबसे पहले मेरे को क्या बुला रहा था? ए डॉक्टर, ए डॉक्टर ही बुला। नहीं, नहीं, मैं जस्ट कहने की कोशिश कर रहा था कि अब जस्सी की तबीयत कैसी है। जस्सी, वेल इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी द सिचुएशन। नहीं नहीं नहीं, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू हैव सीन द सिचुएशन। हैं, मतलब? मतलब इज शी फाइन, इज शी ओके? वरना मैं क्या करूंगा? नहीं, तुम इसका मुंडी घुमा के वगैरह कुछ टेंशन नहीं, प्रॉब्लम। Hey, how dare you speak to a doctor like this? No. तुमको क्या लगता है ये एप्रन पहन के, ये भुंगली लटका के मैं इधर क्या टाइम पास करने के आया है क्या? नहीं, सॉरी, जस्ट वांटेड टू नो हाउ शी इज फीलिंग। एक्चुअली देयर इज अ गुड न्यूज, तुम उसका पति है ने? देयर इज अ बैड न्यूज। बैड न्यूज? पर न्यूज क्या है? अरे तुमको काय को बताएगा, उसका पति को बताएगा ने? डॉक्टर, आपको जो कुछ भी कहना है आप इनके सामने कह सकते हैं। आर यू श्योर? यस। ओके, बैसो दिखरा, बैसो दिखरा, यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ केयर, यू आर प्रेग्नेंट। नो, ए ताजन की औलाद, ऐसा 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 क्या करता है, डिलीवरी हो जाएगा। नहीं, पर और मेरे को एक बात बताओ, ये प्रेग्नेंट है, तुमको काय को लेबर पेन होता है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, आपकी कसम, आपके एप्रन की कसम, आपकी भुंगली की कसम। ए! किसी भी चीज को हाथ लगाने का, लेकिन भुंगली को हाथ कभी नहीं लगाने का। सॉरी, भुंगली छोड़ो लेकिन धीरे। देखो दिख रहा? यस। दिख रहा? यस। मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। इधर इधर, मेरे को लगा जीब्रा बैठा है। ओके, देखो तुम ना, बहुत दर्द हो रहा है ने पेट में? नहीं, अभी पेट में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बहुत दर्द होता है, बट एनीवे यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ केयर एंड प्रिकॉशन, बिकॉज दिस इज द सेकेंड मंथ। नहीं नहीं, फोर्थ मंथ। फोर्थ मंथ? अरे डॉक्टर तुम्हें थे मैं, दिस इज द सेकेंड मंथ। नहीं नहीं, फोर्थ मंथ, फोर्थ मंथ। अरे अप्रैल चल रहा है ना, अप्रैल। आपकी कसम, आपके एप्रन की कसम, देखो आपकी भुंगली की कसम। भुंगली को हाथ न लगाने का, भुंगली छोड़ो लेकिन धीरे। क्या ही, अरे उठाओ ने।
Okay, okay. You people keep on doing this bhungli business. I am going. Doctor, fees वगैरह? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए fees. नहीं चाहिए. Hello, nurse. एक ambulance भेज दो सही सदन. अरे patient कौन नहीं है? मैं ही है. मैं गिर गया रहेंगा gate के बाल. Okay? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ. अरे मैं बोल रहा हूँ नर्स, मेरे को नहीं पहचाना तुमने, आर्य सोडा वाला. अरे हेलो, सोडा नहीं भेजने का इडियट. मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर. सुनो सुनो सुनो, हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है. ओह माय गॉड, आज मैं कितना खुश हूँ. लेकिन फैंस तुम इतने खुश क्यों हो? क्योंकि अभी अगर मैं इस बेबी का डैडी नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं जल्दी हो जाऊंगा. और वो कैसे? वो ऐसे कि एक बार तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तो फिर मैं इस बेबी का डैडी कहलाऊंगा. फैंस, मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो ना. फैंस, तुम्हें बेबीज पसंद है? पसंद? Jessie, I love babies. Jessie, एक बात कहूँ? If you don't mind that. Jessie, last year जब मैं दुबई गया था ना, I just got the flight to Dubai and मैं जैसे ही वहाँ land हुआ तो करिश्मा ने मुझे फोन किया और बताया कि she's pregnant. I was going to be a father. Jessie, I was so happy. मैंने वो बच्चे के लिए छोटे छोटे खिलौने लिए, छोटे छोटे shoes, छोटे छोटे dresses, and I got the first flight and I came to Bombay. But जब मैं बॉम्बे लैंड हुआ ना, तो मुझे पता चला that करिश्मा had aborted the baby. Jessie, I wanted that cute child to play. Oh God, I'm sorry, Jesse, I'm really sorry. मुझे ये टॉपिक इस वक्त नहीं निकालना चाहिए था ना. Anyway, ठीक है, let's forget about the past, okay? उसे पीछे छोड़ देते हैं. हुड हरी कुल हुर बची गए. वो पास्ट को भेज दिया. Okay, now let's think about the present and the future. याद है डॉक्टर ने क्या कहा कि तुम्हें हंसते रहना चाहिए, तुम्हें मुस्कुराते रहना चाहिए, तुम्हें मेरी तरफ देखते रहना चाहिए, तो अपना बेबी भी होगा. टाइम देखा है क्या हो रहा है? 12 o'clock, 5 minutes ऊपर नीचे. पांडू बंद करो, ये आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती. ये आवाज नहीं है, दिस इज अ वंडरफुल गेम. ये बलून्स है ना, हम अपने ही हाथों से फुलाते हैं और फिर अपने ही हाथों से फोड़ देते हैं. दीज बलून्स ना आर लाइक आवर लाइफ. हम अपने लाइफ को सजाते हैं, सवारते हैं और फिर अपने ही हाथों से खत्म कर देते हैं. आई विल शो यू हाउ. मुझे तुम्हारी इस फालतू की फिलोसॉफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे तुम? हाँ, तुम्हें क्यों इंटरेस्ट होगा, क्योंकि तुम तो वो हो जिसने हमारे बेबी को. पांडू, मैंने तुमसे हजार बार कहा है, वो एक एक्सीडेंट था. अब मुझे किसी भी बारे में कोई बात नहीं करनी. हाँ, तुम क्यों करोगी मेरे साथ बात? मेरी जस्सी है ना, वो मेरे हर प्रॉब्लम्स, हर परेशानी के बारे में जानना चाहती है, पर तुम. ठीक है, तो चले जाओ अपनी जस्सी के पास और छोड़ दो मुझे अकेला, जैसे हमेशा छोड़कर जाया करते थे. पांडू, तुम 10 महीने दुबई में रहते थे और मैं यहाँ अकेली. कभी तुमने एक बार भी सोचा है कि मैं यहाँ अकेली अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही थी? लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे एहसास था घर बनाना है, जिंदगी बसानी है, इसलिए चुपचाप अकेलापन सहते रहे. लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने तुम्हें फोन करके सिर्फ एक बात कही, वापस आ जाओ, अब अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता मेरे लिए.
हमारे होने वाले बच्चे के लिए वापस आ जाओ। हाँ तुम आए आए तुम, लेकिन एक बार फिर से वापस चले जाने के लिए। चार खिलौने लाने से बाप का फर्ज पूरा नहीं होता पांडू। अरे तुमने क्या खोया है? शरीर का अंश तो मेरा गया, अकेलापन मेरे रोम रोम में बस गया, रोम रोम में बस गया। I hate you, Pandu. I hate you. I hate you. I hate you. करिश्मा, मैं अपने जस्सी को फोन करके देखता हूं क्या कर रही है। रिंगिंग रिंगिंग। हेलो हेलो जस्सी तुम हो? हाँ मैं हूँ। जस्सी हाँ। तुम क्या कर रही थी? कुछ नहीं, थोड़ा सा दूध गर्म कर रही थी अपने बॉर्नविटा के लिए। पैंट्स। हाँ मैं तुम्हें एक बात बताऊं? कहो ना। आज जब मैं 9 बजे घर वापस आई ना, तब करण मुझे बहुत सारे सवाल पूछने लगा। इतने सारे सवाल पूछने लगा कि मैंने ठीक से खाना खाया या नहीं, मैंने अपनी दवाइयां ठीक से ली या नहीं। ऐसे लग रहा था जैसे उसे अपने जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है। जस्सी जस्सी उसे कहना कि वो दवाई बेचते बेचते अपने को डॉक्टर तो नहीं समझने लग गया है, एक कंपाउंडर। हेलो हेलो हेलो। हाँ तुम मेरे कान में क्यों चिल्ला रहे हो? वो कुछ नहीं सुन सकता, वो तो अंदर है बेडरूम में। मुझे पता है वो अंदर है, इसीलिए तो मैं चिल्ला रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मुझ में इतनी ताकत है कि मैं उसके मुंह के ऊपर चिल्लाऊं? एनीवे फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। जस्सी हैव यू प्रिपेयर्ड दैट लिस्ट? कौन सा लिस्ट? अरे जो एडवोकेट ने कहा था कंप्लेंट्स के बारे में। हाँ वो। और जस्सी रिमेम्बर उसमें थोड़ा मिर्च मसाला डाल देना। मिर्च मसाला? मतलब लिखना कि उसने तुम्हें मार डालने की कोशिश की, उसने तुम्हें जलाने की कोशिश की, कुछ भी चलेगा। लेकिन मैं वो। लेकिन कुछ नहीं, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा गवाह बनूंगा। वो एक मिनट पैंट्स, वो गैस पे दूध है ना, एक मिनट। नहीं 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 नहीं, हेलो 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 जस्सी जस्सी, अरे हेलो 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 जस्सी, हेलो हेलो। फोन यूं ही छोड़ के चले जाते हैं। हेलो जस्सी, हेलो हेलो हेलो, कृपया प्रतीक्षा कीजिए, आप कतार में हैं, प्लीज स्टैंड इन अ क्यू, आई एम बिफोर यू। ओए सिंह। एडवोकेट सिंह। ओए सिंह। तो फिर से ठीक है, ये देश है वीर जवानों का, लबेलों का, मस्तानों का, उस देश का यारों। ओए तो क्या बात है उस देश। तू गवैया है क्या? वकील है? वकील। हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा अन्याय सिंह? जब तक तू मेरा नाम ठीक से नहीं लेता यार। अन्याय सिंह नहीं, ए डॉट न्याय सिंह। एडवोकेट सिंह जी, तमीज देखो। हमें और कितनी देर इंतजार करना होगा? देखिए मैडम, क्या है कि आपके पति अब तक आए नहीं है, आपकी पत्नी आई नहीं है, मैंने अपनी ये खानदान वालों को तो बुलाया नहीं इस तरह में। क्या तुमसे इसलिए मैंने कहा था कि आराम से चलते हैं, ये सिंह हमारा वेट करते रहता। क्या मतलब ये सिंह? एडवोकेट जी, सिंह जी तमीज देखो। आपको हमारे बयान और दस्तखत ही चाहिए ना, तो वो ले लीजिए और हमें जाने दीजिए। देखिए मैडम क्या है कि चारों बयान चारों सिग्नेचर जो है मेरे आंखों के सामने होने चाहिए ना। आपने उन्हें वक्त दिया था ना, तो घड़ी निकाल के दे दी थी। तो कहाँ है वो लोग, क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? मैं कोई टैक्सी ड्राइवर बताऊंगा कहाँ गया। आओ 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 आओ, आ गए दोनों कबूतर, आओ आओ। हाँ जी क्या हो गया मिस्टर पैंट्स? क्या नाम रखा है इसकी पैंट? टाइम लग गया आपको? नहीं वो क्या है ना, जस्सी इज प्रेग्नेंट ना, तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गया था फॉर अ रेगुलर चेकअप। एक आप ठीक तो हैं जी? हाँ जी। जस्सी जी क्या वो कंप्लेंट लिस्ट आप लिख कर लाई हैं? एक सेकेंड एक सेकेंड, सबसे पहले मेरे खिलाफ ही क्यों? क्योंकि लेडीज फर्स्ट। ओके तो यहाँ भी तक लेडी है, इनसे पूछिए। तो बड़ा उछलता रहता है यार तू। मुझे एक बात बता। पूछो। सबसे पहले कौन आया था? हम। सबसे अर्ली कौन आया था? हम। सबसे बाद में कौन बोलेगा? हम। करेक्ट, बोलिए जी। जी
चाहूंगी कि करण मुझसे प्यार ही नहीं करता, वो बुद्धू है, बेवकूफ है और उसे अपने जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं। खामोश, मैं ये सब नहीं सुन सकता। बाजू में नाई की दुकान है, कान साफ करवा के आइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, कि करण ने मुझे जलाने की कोशिश की। जलाने की कोशिश की? जलाने की कोशिश की? जलाने की कोशिश की? एक मिनट शांत हो जाइए, ये सब होता रहता है जिंदगी में। और जलाने की कोशिश की? इस बात का मैं गवाह हूँ। कहाँ जा रही है? वक्त शाम का था और मैं अपनी बेडरूम की खिड़की पे ऐसे खड़ा था और पता है मैंने क्या देखा? पता है मैंने क्या देखा एडवोकेट सिंह? क्या देखा आपने? क्या देखा? मैंने देखा कि ये करण जस्सी की तरफ एक जलती हुई लकड़ी लेके जा रहा था। नो 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 नो, अरे मैं तो अगरबत्तियां जला रहा था। राइट, अगरबत्तियां जला रहा था और फिर अगरबत्तियों से लकड़ियां और लकड़ी से जस्सी को। वो मुझे जलाने की कोशिश कर रहा था। राइट, मैं इस बात का गवाह हूं। वक्त शाम का था, मैं अपनी बेडरूम की खिड़की पे ऐसे खड़ा था। नहीं नहीं, ऐसे बैठा था। अभी तो खड़ा था। और मैंने देखा कि करण जस्सी की तरफ वो लकड़ियां लेके जा रहा है। एक सेकेंड, ये झूठ कह रहा है। मैं अगरबत्तियां जला रहा था क्योंकि मैं जस्सी की उसकी पूजा में हेल्प कर रहा था, है ना जस्सी? तुम बोलती क्यों रही हो? प्रेग्नेंट पॉज, जिसका मतलब है कि जस्सी जी हाँ बोल रही है। नहीं, ऐसे कैसे? जिसका मतलब है कि आपने इन्हें जलाने की कोशिश की, जो एक बहुत ही संगीन जुर्म है। ठीक है, इसके बिना पर आपको तलाक मिल जाएगा। तलाक मिल जाएगा इसके बिना? मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। हाँ तो फिर ठीक है, जो ये कह रहा है वही सही है। एडवोकेट सिंह, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, कहो कि मैं भी तुम्हें जलाने की कोशिश कर रहा था। कहो कि वो गुब्बारे फोड़ फोड़ के मैंने तुम्हारे रातों की नींद खराब कर दी। कहो कि जब मैं घर के बाहर जाता हूँ तो एक तुम्हारी एक मेरी चप्पल पहन के जाता हूँ। कहो कि आई एम अ स्टूपिड इडियोटिक फूल। तुम्हें जो कहना है कहो। अब मैं क्या कहूँ, सब कुछ तो तुम्ही ने कह दिया। मिस्टर पैंट्स, अब आप इनके बारे में बोल चुके हैं, राइट? तो आप अपने बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? ओ एक सेकेंड यार, मेरी टर्न कब आएगी? बहुत उछलता है यार, मुझे एक बात बता। हाँ। सबसे लेट कौन आया था? ये। सबसे बाद में कौन आया था? ये। सबसे पहले कौन बोलेगा? ये। अब मैं क्या बताऊं एडवोकेट सिंह? देखिए मिस्टर पैंट्स, अब आप इतनी दूर से मेरे ऑफिस में आ ही गए हो तो कुछ बता डालो। ठीक है, वक्त रात का था। ओ जी मुबारक हो जी, मुबारक हो जी। आगे बढ़। हाँ जी, छुट्टा बाद में दे दीजिए। मुबारक हो, मुबारक हो जी, मुबारक हो। क्या हुआ? शाम कुछ आगे तो बढ़ी। वक्त रात का था, बोलिए जी, कंटिन्यू। वक्त रात का था, मैं अपनी बेडरूम की विंडो पे ऐसे बैठा था। नहीं नहीं, ऐसे लेटा था। ओ, ये तो एक मिनट, पैंट्स पांडू, ये जो तुम्हारी कहानी है ना, वो तुम आज ही खत्म करना। हाँ, कल दोपहर तक हमें कोर्ट में पहुंचना है, समझे? डफर इडियट। देखा कैसे बात करती है मैं से? अरे इसे पता नहीं कि एक बीबी को अपने पति से कैसे पेश आना चाहिए। दैट्स द रीजन मैं पांडुरंग मोरे अपनी इकलौती और सरफिरी बीबी करिश्मा पांडुरंग मोरे से तलाक चाहता हूँ। जय हिंद। तलाक का भाषण देने लाल किले पर खड़ा है क्या? जय हिंद। देखा आपने कैसा है ये? इसके साथ कोई अपनी जिंदगी कैसे बता सकता है? इम्पॉसिबल। एडवोकेट सिंह, ये 10-10 महीने दुबई में रहता है और मैं यहाँ अकेली, लेकिन जब भी वापस आता है ना, तब भी सीधे मुंह बात नहीं करता, बस मुझे घूरते रहता है। यूं घूरता रहता है लंगूर की तरह। अरे हर बीवी का एक सपना होता है कि उसका पति सिर्फ उसकी तारीफ करे, उसे अपने पलकों पर बिठा कर रखे, लेकिन ये देखो अभी भी मुझे घूर रहा है लंगूर। एडवोकेट सिंह, मैं इसे इसलिए नहीं घूरता क्योंकि मैं लंगूर हूँ। एडवोकेट सिंह, मैं इसे देखते रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरी करिश्मा ना एकदम ब्यूटीफुल है, एकदम स्वीट है, इतनी प्रिटी है एडवोकेट कि मेरे पास लव्ज ही नहीं होते इसकी सुंदरता डिस्क्राइब करने के लिए। ये जो लव्ज है ना एडवोकेट, वो मेरे मुंह से बाहर ही नहीं निकलते, वो मेरे पेट में मेरी को राउंड खेलते रहते।
वो मेरे पेट से उछलते मेरे गले की तरफ बढ़ते और बाहर निकलने के पहले डबल समरसॉल्ट लेके गले से नीचे उतरते पेट में बस जाते, वापस पेट से उछलते गले की तरफ बढ़ते वापस बाहर निकलने पहले ट्रिपल समरसॉल्ट लेके वापस गले से नीचे उतर जाते, वापस पेट में बैठते वापस पेट से उछलते वापस गले की तरफ जाने से पहले बाहर निकलने से पहले ट्रिपल समरसॉल्ट लेके वापस वापस नीचे उतरते वापस पेट में बैठते वापस उछलते वापस उछलने के बाद गले की तरफ बढ़ते वापस गिरने के बाद वापस बस बस मिस्टर समरसॉल्ट बस। आपके इस मेरी-गो-राउंड से मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। आप खट्टा खाने का मन कर रहा है? बहुत। ओ कंग्रेचुलेशंस आप पेट से हो। थैंक यू। यार कभी तो सीरियस रखो इस आदमी को यार। लंगूर। सॉरी। हाँ जी मिस्टर उछलू बोलिए, आप वो कंप्लेंट लिस्ट लिख कर लाए हैं? नहीं मैंने कुछ नहीं लिखा अन्याय सिंह। समझ रहा हूँ अनपढ़ हो ना, अन्याय सिंह बोलते हो। ए डॉट न्याय सिंह है। ए डॉट न्याय सिंह बोलिए। ओके मुझे सिर्फ इससे तलाक चाहिए बस। और कुछ? हाँ मुझे इससे अपनी एक कीमती निशानी भी चाहिए। और निशानियों की क्या बात है, मंगलसूत्र वगैरह उतार। नहीं, नहीं 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 उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे इसकी कोख में पल रहा मेरा बच्चा चाहिए। कभी नहीं करण, मैं तुम्हें अपना बच्चा कभी नहीं दूंगी, मैं इसकी परवरिश खुद कर सकती हूँ। हाँ और एक बार हमारी शादी हो जाएगी तो मैं उस बेबी का डैडी कहलाऊंगा। चुप है ढीले, डैडी कहलाऊंगा। वो बच्चा मेरा है, मेरा खून है, मेरे पास रहेगा, समझा? क्यों कैश? हाँ एडवोकेट सिंह, मैं उस बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हूँ। लो ग्रेट, खुद का बच्चा तो पाल नहीं सकी, सारे मोहल्ले के बच्चे पालने निकली। जसी जसी प्लीज तुम यहाँ बात का बतंगड़ ना ही बनाओ तो अच्छा। मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रही हूँ एडवोकेट सिंह, ये खुद अपना ख्याल नहीं रख सकता, वो मेरे बच्चे का कैसे ख्याल रखेगा? मैंने तुम्हारा भी ख्याल रखा जस्सी। तुमने मेरा ख्याल रखा करण? वो कैसे? कैसे? तुम चैन से सो रही हो या नहीं ये कौन देखता था? मैं। तुम्हें टाइम पर दवाइयां कौन देता था? मैं। घर का सारा काम कौन करता था? मैं जस्सी मैं। बोलती ख्याल नहीं रखा। ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है करण, हमेशा मैं लेकिन कभी हम नहीं। मैं बस एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर रही थी करण। कितना आसान होता है ना अपनी बीवी पे इल्जाम लगाना कि वो चीखती है चिल्लाती है टोकती रहती है, लेकिन नहीं करण, शादी के बाद अलग किस्म की जिम्मेदारियां पैदा होती है। अगर तुम इसी तरह बिना वजह पैसा खर्चा करते रहे तो हम अपने होने वाले बच्चे की कैसे परवरिश करते? घर की अगर हम दोनों मिलकर देखभाल नहीं करते तो वो घर कभी नहीं सिर्फ एक मकान कहलाता है। लेकिन तुमने शादी के नाजुक बंधन को कभी समझा ही नहीं और ना ही मुझे। बस जसी बस इनफ, इनसेंटी बातों का वक्त बीत चुका है। मैंने फैसला कर लिया है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, और जो तुम्हारी कोख में बच्चा पल रहा है वो मेरे साथ रहेगा, दैट्स फाइनल। ठीक है करण, अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो फिर मेरा भी फैसला सुन लो, मुझे भी ये बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करने वाली हूँ। जस्सी, हाउ डेयर यू करण? पांडुरंग मोरे। करण, ये मेरे पति हैं। कैश, वाह क्या बात है, कहानी में ट्विस्ट, आज सोनी सी जस्सी करिश्मा का सहारा बन गई। बस कुछ ही पलों की बात है, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखते ही देखते एक साल बीत गया, लेकिन आप लोगों को एक बात बतानी है कि बड़ी साई शादी एक चाइनीज डिश की तरह होती है, कभी स्वीट तो कभी सार। अन्ना आपने इस डिश का दोनों रूप देखा, लेकिन साहेब दोनों रूप देखा तो देखा, आपको एक बात बताने का है, घुटने झुकाओ कान खोलो यहां लाओ अपन की बात सुनो। अरे इतना नजदीक क्यों आ रहे हो, मुझे शर्म आती है ना। लेकिन दिखरा मेरे को कोई शर्म नहीं आता तुमको ये बताने में कि ये दोनों कपल है ने हनीमून पर चले गए, लेकिन कौन किसके साथ गया ये हम आपको नहीं बताएंगे, ये आप अपने आंखों से देख लीजिए। ओ जी आइए। एडवोकेट सिंह। ओ आजा पुत्र। ओहो क्या बात है। पति तो आखिर पति है, इस बात पे करना हो नादानी वो कितनी भी कर ले मन में नहीं जो बीवी ही सबसे प्यारी तो आखिर पति है, इस बात पे करना हो
सुख दुख की मेरी हसाती दू जाने ऊपर से बीवी ही सबसे प्यारी वो होती है चुप चो सुख दुख की यही हसाती दू जाना कोई ऊपर से बनके जोड़ी नीचे चले न कोई जोर संग में जीना संग ही मरना हाथ में उसके डोर क्योंकि ये दिल ये दिल ये दिल ये दिल ये दिल मांगे no more, no more.